नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं पिछले 18 सालों से आयुर्वेद की पद्धति में चिकित्सा कर रहा हूँ। आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ प्लस चैनल पे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में कुछ जिज्ञासा सी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ र्यूमर्स होते हैं, जिन सवालों का वो जवाब पूछना चाहते हैं उनके उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते। आज मैं आपके सामने इसीलिए हूँ कि जो लोगों की कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, उनका सही जवाब दे सकूँ। तो पहला सवाल है, क्या सांडे का तेल जो आज काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, क्या वो यौवन समस्याओं का समाधान करने के लिए काफ़ी है? देखिए, सांडे का तेल जो होता है ये एक प्राकृतिक तेल है। इसमें कई तरीके के तेल मिले हुए होते हैं, जैसे इसमें तिल का तेल भी मिला होता है, लौंग का तेल भी है, इसमें अश्वगंधा भी है, शतावर भी है, मगर इसका प्रचार गलत तरीके से किया गया है। ये तेल जो है त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके कई तरीके से गुण हैं। केवल लोगों का मानना ये है कि क्या कहते हैं, इसको सिर्फ यौवन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, मगर ऐसा किसी भी चिकित्सा अध्ययन में नहीं कहा गया है। इस तेल के कई फायदे होते हैं, हम अपने नॉर्मल स्किन पे भी लगा सकते हैं, इस पे लिंग्स पर इसकी मालिश भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए इसके इस्तेमाल करने से पहले अगर आप किसी भी जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अदरवाइज़ इसके नुकसान भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को इस तेल से एलर्जी हो जाती है, वो उसका कारण ये है क्योंकि इस तेल में लौंग का तेल भी मिला हुआ होता है और तिल का तेल भी मिला होता है। कुछ लोगों को तिल के तेल से एलर्जी होने के कारण खुजली या फिर लालीपन या सूजन आ जाती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के कुछ लक्षण मिलते हैं तो वो इस तेल का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये भी है कि हर व्यक्ति की समस्या दूसरे से अलग होती है, तो अगर किसी को इस तेल से फ़ायदा हुआ है तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि उसी तेल से उसको भी फ़ायदा होगा। ये सिर्फ निर्धारित एक चिकित्सक ही कर सकता है कि कौन सा तेल किस पेशेंट के लिए कितना लाभकारी है। अगर मैं आपको सांडे के तेल की गुण के बारे में बताऊं, तो सांडे का तेल यौवन शक्ति में फ़ायदा करता है, वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, शीघ्र पतन की समस्या का भी समाधान करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब जिसमें तनाव की कमी होती है, वो भी ठीक करता है। मगर इस्तेमाल करने से पहले मैं आप सभी को एक संदेश यही देना चाहूँगा, अगर आपको यौवन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप अपने आसपास कोई भी चिकित्सक, उनसे सलाह लीजिए और अपनी परेशानी को अच्छे से बताकर फिर आप उनसे इस चीज़ के बारे में पता करिए कि क्या सांडे का तेल या फिर कोई और दूसरी औषधि या कोई और दूसरा तेल आपके लाभकारी होगा या नहीं। अदरवाइज अपना खुद इस्तेमाल करके या किसी के कहने पे आकर कोई भी चीज़ का आपके शरीर पर नुकसान हो सकता है, इसीलिए चिकित्सक सलाह ज़रूरी होती है। देखिए, अगर चिकित्सा की बात करता हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपकी नॉर्मल साइज़ है तो वो कभी बढ़ नहीं सकता। कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लिंग की जो नसें होती हैं वो श्रिंक होने लगती हैं और श्रिंक होने के कारण उनका साइज़ कम हो जाता है। अगर हम सांडे का तेल या फिर दूसरे तरीके के तेल, जो भी चिकित्सक बताएगा, उस तेल का इस्तेमाल करने से जो नसें श्रिंक हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, उस तेल का इस्तेमाल करने से वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं। उनका वैसोडाइलेशन होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है और जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है तो वो लिंग जो है अपनी नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। मगर ये कहना बिल्कुल गलत है कि नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा, जिसका जो आकार है या जो साइज़ है वो उतना ही रहता है। बस किसी बीमारी के कारण या किसी और कारण अगर साइज़ पे फ़र्क आया है, कम हो गया है, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, मगर नॉर्मल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या है तो अगर आप आसपास रहते हैं तो
तो आप आके मेरे क्लिनिक पर मिल सकते हैं। अगर आप आने में असक्षम हैं या दूरी ज़्यादा है तो आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी औषधि की ज़रूरत है जो मेरे द्वारा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आसपास नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ कोरियर की भी फैसिलिटी है, आपके घर तक हम दवाई भी पहुँचाते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी से लाभ हो रहा है, या आपको लगता है कि ये जानकारी आपके सुझाव के लिए बहुत अच्छी है, या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई और सवाल है तो वो भी आप जानकारी मांग सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बात से आप प्रसन्न हैं या संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।